नागपुर शहर पुतलों का शहर है, लेकिन शहर के कई पुतलों की साफ सफाई मनपा द्वारा नहीं किए जाने से झांसी की रानी का पुतला अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। आइए डालते एक नजर। यूं तो नागपुर शहर की पहचान कई विशेषताओं से की जाती है, जैसे कि नाग नदी, संतरा नगरी, मध्य रेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा, बड़ा ताजबाग, दीक्षा भूमि, आरएसएस हेडक्वार्टर जैसे और भी कई नामों से नागपुर शहर की पहचान। इसी श्रृंखला में नागपुर की पहचान शहर के पुतलों के नाम से भी जाना जाता है। इस नगरी में कई महापुरुषों के पुतले हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया था, लेकिन आज वो ही महापुरुषों के पुतले गंदगी के चपेट में अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं। पिछले कई महीनों से झांसी की रानी के पुतले को फूलों की माला पहनाई गई थी, लेकिन अफसोस कि आज भी फूलों की साफ सफाई नहीं की गई है। इस पुतले का रंग रोहन नहीं हुआ है, इतना ही नहीं तो फूलों की माला पूरी तरह से सड़ चुकी है, लेकिन मनपा का ध्यान इस ओर कतई नहीं है। अधिवेशन के दौरान बाहर के राज्यों से लोग नागपुर देखने आते हैं, क्या यही नागपुर स्वच्छ और सुंदर है? इसके लिए एनएमसी प्रशासन अपने गिरेबान में जरूर झांक के देखे। नागपुर शहर की पहचान तो यूं कई बातों से होती है, इसी प्रकार इसी श्रृंखला में नागपुर शहर की पहचान अब पुतलों के शहर के नाम से भी होने लगी है। जी हाँ, इस समय में हम खड़े हैं जो झांसी रानी का पुतला, आप साथ देख सकते कि ये वही नागपुर का झांसी रानी का पुतला है, जहाँ पे झांसी की रानी उस अश्व में बैठ के युद्ध की जैसी जो स्थिति जो बनी है उसमें वो मर्दानी खूब लड़ी थी, ऐसा वो इस प्रकार का चित्र यहाँ पे इस चौक में लगाया गया है। झांसी की रानी के चौक के नाम से नागपुर शहर की पहचान है, और खास बात तो यह है कि ये वही मर्दानी झांसी की रानी है जो अंग्रेजों से लेके तमाम लोगों से लड़ी थी और अपने को लोगों को न्याय दिलाने के लिए खूब लड़ी थी, और ऐसे में आज इनका यहाँ पे पुतला लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि झांसी की रानी कौन थी ये आने वाले लोगों को पता चले, उनका इतिहास पता चले, इसलिए ये पुतला लगाया गया था। मगर अफसोस कि जब से हम देख रहे हैं कि ये पुतले में पिछले छह महीनों से सफाई नहीं हुई, इनके गले में जो हार, जो फूलों की माला उस दौर में जो लोगों ने पहनी थी, आज जो की तो पड़ी है, माला पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ना नागपुर मनपा प्रशासन का ध्यान इस ओर है, ना स्वास्थ्य विभाग का ध्यान है, ना राज्य सरकार का ध्यान, और ये वही ऐतिहासिक चौक है जहां रोजाना सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री, या तमाम मनपा के आला अधिकारी या पुलिस आयुक्त तो हो, पुलिस प्रशासन हो या आम नागरिक हो, हर किसी का इसी चौराहों पे से आना जाना लगातार शुरू रहता है, किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। जिस लचर हालत आज यहाँ पे हुई, बड़ा दर्द हो रहा है, इस ओर मनपा प्रशासन ध्यान दे, यही लोग चाहते। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ये बताए कि जिस तरह से आज ये पुतली की हालत हुई है, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं तो पिछले करीब 30-40 साल से पुतले को देख रहा हूँ, और जो भी सब जो भी पुतले लगाए जाते हैं वो हमारे शहर, हमारे राज्य, हमारे देश के गणमान्य लोग रहते हैं और उनका हमें आदर करना चाहिए। तो जो भी फूल मालाएं रहती है उसको समय समय अनुसार बदलते रहना चाहिए, ताकि नहीं तो देखने में छवि अच्छी नहीं लगती है। हमारे शहर, मतलब ये शहर प्रशासन का काम है कि समय समय पर इसको बदलते रहे। बिल्कुल, क्या नाम आपका? मेरा मोहन खेतान। मोहन साहब ने जिस प्रकार से ये बात दो रहा है, इसमें कोई दो रहा नहीं, मैं थोड़ा पहन करके और बताए कि देखिए कैसी किस प्रकार से लचर हालत हुई है। वहाँ का पेंट जो लगाया गया था उनको, वो भी पूरी तरह से उखड़ चुका है, रंगरोहन नहीं हुआ है कई महीनों से, लोग आते हैं, अधिवेशन का दौर है, ऐसे में ये झांसी की रानी का जो पुतला है अपने बदहाली पे आंसू बहाता नजर आ रहा है, लचर हालत जो हुई है। इस ओर ना मनपा प्रशासन का ध्यान है, ना ही किसी का ध्यान है, इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे, और खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी की रानी थी ऐसा कहा जाता है, मगर झांसी की रानी की जिस प्रकार से ये जो स्थिति बनाई हुई है, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार है कौन? या नागरिक या मनपा प्रशासन, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मनपा प्रशासन के अख्तियार में यह विभाग आता है, उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए, यही मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। नागपुर के झांसी रानी चौक से कैमरा पर्सन वीरू के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।